तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 220 हर्ट्ज एंड स्पीड इज 440 मीटर पर सेकेंड इन अ गिवन मीडियम। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और स्पीड दे रखी है, इसको हम यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो जो गिवन वैल्यू है वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, वेवलेंथ करना है, इसको हम यहाँ पे लैम्डा से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 220 हर्ट्ज हो जाएगी। और जो हमारी यहाँ पे स्पीड दे रखी है वो हमें यहाँ पे 440 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, तो स्पीड को हम यहाँ पे स्मॉल वी से डिनोट कर देंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पे 440 मीटर पर सेकेंड ये चीज़ दे रखी है। हमें यहाँ पे निकालना क्या था, वेवलेंथ निकालना था। इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड वेव इक्वल टू फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ होता है। हमें यहाँ पे निकालना क्या था, वेवलेंथ निकालना था। तो वेवलेंथ इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड वेव अपॉन फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। तो स्पीड हमें यहाँ पे कितनी रखी है, 440 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। और फ्रिक्वेंसी हमें यहाँ पे कितना देखा है, 220 हर्ट्ज दे रखा है, या इसको बोल सकते हैं वाइब्रेशन पर सेकेंड होता है। और इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 220 पर सेकेंड। तो जो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी वो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 220, और जो सेकेंड की पावर यहाँ पे -1 कह सकते हैं यह आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्चुअली में होगा क्या, ये सेकेंड से ये वाला सेकेंड हमारा क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा हमारे यहाँ पे क्या, मीटर बचेगा। और इसको भी डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पे वेवलेंथ है वो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट बची थी वो हमारे यहाँ पे क्या बची थी, मीटर बची थी। तो ये हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन में वेवलेंथ निकल गया। होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।